व्हाट्सअप गाइस, कोरोना जब आया था ना तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, लॉकडाउन थे, और अब तो हाँ हर जगह कोविड रिस्ट्रिक्शंस कम होती जा रही हैं, और कई जगह ऐसा भी हो गया है कि अब बहुत सारे सब हटी चुके हैं हाँ, रिस्ट्रिक्शंस। जो जैसे मास्क का कई मास्क का जगह भी अब शुरू मेरे हो हिसाब से गया शायद। चलान खत्म हो रहा है ऐसा सुनने में है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। धाकड़ रिपोर्टर पहुंच चुका है कोरोना में शादी कराने, मतलब मजाक कर रहा हूँ, टाइटल है कोरोना में शादी भी धाकड़ रिपोर्टर। तो हाँ, आज कौन पिटने तो वाला है देख ग्राउंड लेते लेवल से हैं, आज रिपोर्टिंग होने वाली ग्राउंड लेवल से, है। ग्राउंड पे किसके चांटे बजेंगे आज देखते हैं। और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो ये स्क्रिप्टेड है, होता है, पूरा स्क्रिप्टेड है, स्केच पूरी चाहिए। कहानी लिख के परफॉर्म हाँ करी गई है। तो लेट्स एंजॉय द वीडियो। हर्ष आशीष भाई ओपी हो जाएगा कमेंट में, और वीडियो आप सजेस्ट भी कर सकते हो। करें यस शुरू, 1 2 3 गो। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है धाकड़ न्यूज में। क्या जैसा कि बात आप है, जानते हैं कि ये भी यस धाकड़ न्यूज ही है सिर्फ, जो कि आपको लाइव कवरेज दिखा रही है एकदम ग्राउंड रिपोर्ट जो है कोरोना का उस पर। तो हमारे साथ अभी आइए यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे बैंक के पास हैं, और बैंक में लोग जरूरी ट्रांजेक्शन है उसके लिए आ रहे हैं। जैसा कि एक, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है नीतीश कुमार सर। नीतीश जी, जैसा कि अभी देख जान सकते हैं कि सरकार का जो अभी कह रही है कि गाइडलाइन का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सावधानी बरतिए, इस पर क्या विचार है आपका? सर कोरोना केस बहुत बढ़ रहा सर, इसीलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है सर। जी, समझदार और आदमी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये भी कह रही है कि जब कुछ ज़रूरी काम है तभी बाहर आइए, जैसा कि हम आपके हाथ में पासबुक देख सकते हैं, तो क्या जरूरी काम के लिए आए थे आप? जरूरी है तभी तो आए हैं सर। जी, तो क्या वैसे काम क्या था आपका? बैलेंस चेक करवाना था। अब भोसड़ी के अंबानी बन गए हो ना तुम, बैलेंस चेक करवाओगे? सुनो, इधर इधर आओ। खतरनाक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, गाड़ मरवाने के लिए ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं, तो उनका क्या है, भुखड़ी के बढ़िया कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि धाकड़ न्यूज लाइव बना हुआ है, तो आप लोग देखते रहिए धाकड़ न्यूज, धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लगातार सड़क पर बने हुए हैं, और कोरोना की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है आपको ग्राउंड लेवल पे कोरोना का हाल दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनकी गांड फाड़ने का सिलसिला जारी है। तो यहाँ पे आइए, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी है, दूल्हे की गाड़ी लग रही है। यहाँ पे आइए, दूल्हा है। क्या नाम है सर आपका? रोशन राज सर मेरा नाम। जी रोशन जी, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि कोरोना का भी समय चल रहा है, इसमें क्या क्या चुल मची थी आपकी शादी के लिए? कोरोना वोरोना कुछ है नहीं। ओहो, शादी तो करना ही है, बहुत पैसा मेरा खर्च हो चुका है शादी में। तो इस कोरोना काल में भी शादी करिएगा? जी जी जरूर करेंगे, कोई रोक नहीं सकता हमको शादी करने के। तो थोड़ा सा बाहर आइए, थोड़ा सा आपसे हम बात करते हैं, मंच पे आइए। मेकअप तो इतना किया लग रहा है भरतनाट्यम करने जा रहा है। तो जैसा कि अभी चल रहा है शादी का समय चल रहा है, लेकिन सरकार ने कई गाइडलाइन कोरोना पे लेके जारी किया है कि जैसे कुछ, तो उन गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल करेंगे, सब कोई करेगा। तो गाइडलाइन में भी है कि एक बार में करीब 100 लोगों को, सिर्फ 100 लोगों को ही जाने की अनुमति है। तो आप बारात जा रहे हैं लेके, तो कितने लोगों को लेके जा रहे हैं आप? कम से कम 150-200 तो जाएगा ना सर। तो अगर 150-200 लोगों का गाइडलाइन आप 150-200 लेके जा रहे हैं, और किसी को कोरोना हो जाता है, कोरोना फैल जाता है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? कोरोना ये सब कुछ है नहीं, ये सब सिर्फ आदमी को चुतिया बनाने का काम हो रहा है, और कोई कोरोना का काम नहीं है। कहाँ है कोरोना? कहीं नहीं है कोरोना। माइक धरो, माइक धरो। ओ भाई साहब, शादी कर रहा है सर, 150 लोग जा रहे हैं तो लार चटेगा, 150-200 के और लार चटा देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि धाकड़ न्यूज़ यहाँ पे सड़क पर है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ जितनी से जितनी हो कम हो। तो बने रहिए आप धाकड़ न्यूज़ के साथ। यस, मौज करा दी। लाइफ इज बेटर व्हेन यू आर लाफिंग। ओ भाई साहब, मजा करते, मतलब लाइक माय, अरे बिल्कुल। भाई बिल्कुल। ने पता है क्या करा है, भाई ने बुलाया, प्यार से उसके लोशन मोशन लगाया। हाँ। आ बेटा, मेकअप में कमी है तेरे। फिर कहे आ जा ले माइक पकड़। मुझे बढ़िया है, कह रहा बड़े कॉन्फिडेंस, कोरोना वोरोना जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब सबने ऐसे नहीं एटीट्यूड। उससे पहले एटीट्यूड भाई का, कह रहा हमें कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल सही बात है, और कोरोना चल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें सुरक्षा से रहना चाहिए। तो बाहर भी ना निकले, और निकला किसलिए? पासबुक अपडेट कराने के लिए। पहले चेक करना भाई साहब, इसके दही तोड़ो मारो। और ऐसे लग रहा था 15-16 साल का लड़का, भाई तुझे क्या करना था पासबुक? अंबानी बन चुका। और वो जो बेचारे का फोन और फेंक दिया, पीछे से वीडियो अलग चला। एक तो जो बोलने का तरीका है ना, करिएगा जी ऐसे, कहिएगा जी ऐसा, मौज कर दी ऑटोमेटिक। लेकिन मैंने एक चीज देखी, फैन फॉलोइंग बहुत है। ऐसे जीजू नहीं बता रहे थे कि जो मेरे जीजू, उनके भाई ने जो दूसरे, मतलब वो है, उन्होंने बोला कि भाई ये चैनल चेक करियो, मतलब हमारे रिएक्शन के अलावा, इसलिए कहते हैं दोस्तों अगर आपके व्हाट्सएप पर ग्रुप है ना तो भेज दिया करो, काम की वीडियो भेज दिया करो, कभी लोगों को मस्ती मजाक वाली भेज दिया करो। और ये चीज है, धर्मेंद्र धाकड़ जब ग्राउंड लेवल पे होते हैं तो ग्राउंड पे कईयों की पिटाई होती है, और पूरी स्क्रिप्ट लिख के ऐसे परफॉर्म करते हैं, नेचुरल चल रहा है। और बेस्ट तो वो थी यूपीएससी।
यूपीएससी की तैयारी तो भाई साहब जहरीली वीडियो थी, वो तो नेक्स्ट लेवल। एक होती जहर, एक होती जहरीली, एक फूड व्लॉगिंग वाली बड़ी, मुझे अभी तक वो फेवरेट है। फूड व्लॉगर पूरा वो करके और बाद में जब वो खा रहा था ना उसमें दो चाटे, साले अभी तक खा रहा है तू। आई एम श्योर आपने वीडियो एंजॉय करोगे, तो कमेंट में धाक का ड्रिप बटन ओपी हो जाए, वीडियो कर दे फटाफट से लाइक भाई, फटाक से लाइक करोगे तो फटाक से और लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, और अब नहीं करोगे तो वीडियो वहीं रह जाती है। और नहीं हो सब्सक्राइब कर दिया करो फटाफट से, मिलते हैं कोडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।